सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हिंसा के बाद उन्होंने कुछ लोगों को चमड़ी उधेड़ने की धमकी दी, जब वो लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। इससे पहले भी बाबुल सुप्रियो ने कई बार विवादित बयान दिया है। इससे पहले बाबुल सुप्रियो ने पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन करने के मुद्दे को उठाया था। बाबुल सुप्रियो ने कहा था कि राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए बॉलीवुड पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दे। बाबुल सुप्रियो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिल्म ए दिल है मुश्किल के वक्त ये फैसला किया गया था, मगर हम इस पर अमल नहीं कर पाए। अगर हम पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करेंगे तो हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। बाबुल सुप्रियो का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा जिले में हुआ था। 47 साल के बाबुल सुप्रियो के घर में शुरुआत से संगीत का माहौल था। उनके दादा बानी कांथा भी एक संगीतकार और गायक थे। अपने स्कूली दिनों में बाबुल ने कई संगीत कॉम्पिटिशन भी जीते हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।